दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और टोटल 20 हमने इसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हमने डाले हैं और जिसमें से 19 जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे यहाँ पर और एक जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपको दिया जाएगा। ओके, तो होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना जो है आपसे बना कि नहीं और उसका आंसर क्या हुआ। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बेसिकली चार ऑप्शंस दिया गया है एक क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ जो ये क्वेश्चन है मैथ का वो BSPSCL में ऐसा मैथ पूछा जाता है। 20 जो है कॉरेस्पोंडेंस कलर का जो कॉरेस्पोंडेंस कलर वाला जो नोटिफिकेशन है 03/2024 उसमें सिलेबस में आप देखिएगा तो 20 क्वेश्चन उसमें मैथ का पूछा जाता है। ओके, बिहार SSC में यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से और प्लस साइंस से, टोटल मिलाकर यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से साइंस का यहाँ पे 30 के आसपास जो है रेशियो रहता है, 30 के आसपास क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। तो इन दोनों वैकेंसीज के लिए तो बेनिफिशियल है ही ये जो प्रैक्टिस सेट है, उसके अलावा भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चन काम करेंगे। ओके, यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या कीजिए, आपकी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन हम पढ़ने के जब पढ़ देंगे उसके बाद में वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में अपने से पहले प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए पेन और पेपर लेकर, उसके बाद में जो है सॉल्यूशन आप देख सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ती है और उसका खर्च 10% बढ़ता है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है आय का, यहाँ पे बात किया गया है। तो देखिए जो उसका आय है मतलब इनकम है वो मान लीजिए कि 100 रुपीज वो कमाता है, 100 रुपीज। ओके, खर्च करता है यहाँ पे बोला है 75%, मतलब कि 75 रुपीज वो खर्च कर देता है, तो उसका बचत कितना हुआ, उसका बचत होगा 100-75, मतलब 25 रुपया वो जो है बचा लेता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे कि यदि उसका आय 20% बढ़ता है, मतलब जो उसका आय है 100 से बढ़कर 20% बढ़ जाता है, मतलब 120 हो जाता है। ओके, और उसका खर्च 10% बढ़ता है तो 75 का 10% निकालिएगा तो 7.5 आएगा, मतलब टोटल कितना हो गया 10% बढ़ने के बाद में, तो ये 82.5 रुपीज हो गया खर्च इसका। ओके, यहाँ पे आगे बोल रहा है उसका खर्च 10% बढ़ता है तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखिए यहाँ पे 120 रुपया वो कमाया और 82.50 रुपया जो है वो खर्च कर दिया, तो कितना बचा है, इसमें से माइनस कीजिएगा आप तो ये 18 और 20 38, मतलब 37.5 रुपीज जो है वो बचत करता है। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, पहले 25 रुपया बचाता था और अब जो है 37.50 रुपया बचाता है, तो इसमें से घटाइए, जब माइनस कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि 12.5 रुपया जो है वो यहाँ पे अधिक बचत कर रहा है। किससे बचत कर रहा है ज़्यादा, तो 25 से जिससे तुलना किया जाता है उसको आप नीचे में रखिएगा। ओके, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 25 चौके 100, तो ये 12.5 × 4 कितना हो गया, 12 × 4 48 + 5 = 20, ये 50 रुपीज, ये यहाँ पे इसका प्रतिशत वृद्धि हुआ बचत में। एक बार और हम समराइज कर देते हैं, देखिए वो 100 रुपया माने हैं कि आप वो कमाता है, 75 रुपया खर्च करता है तो 25 रुपया बचाएगा, फिर आगे यहाँ पे 20% बढ़ता है तो 120 हो जाता है उसका है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि खर्च में भी 10% का वृद्धि होता है तो 75 का 110% हो जाता है तो 82.5, तो बचेगा कितना, माइनस कीजिए 37.5 और यहाँ पे बचत में वृद्धि पूछ रहा है तो 12.5 और यहाँ पे कंपेयर हुआ है 25 से तुलना हुआ है तो नीचे आएगा, इसलिए यहाँ पे 50 यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 साल बाद जनसंख्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्तमान जनसंख्या है वो 50,000 दिया है। ओके, हर साल 10% बढ़ रहा है, 2 साल बाद पूछ रहा है, तो अगर पहले साल जो है 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा बढ़कर, ठीक है, फिर अगला साल भी 10% बढ़ेगा तो 110 होगा, तो इसको जो है कंजेक्यूटिव मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों जो है साथ में गुणा कर दीजिएगा, 110% 1 × 110%, इसको जो है काटिए, 00 से 00 यहाँ पर भी 00 से 00 यहाँ 11 × 11 121
यहाँ बचा है 5 × 121 और 00 है। ओके, यहाँ पे गुणा कीजिए, 121 × 5 कितना हो जाएगा, 521 105 मतलब 605 हो जाएगा। ओके, 00 बाकी है, मतलब 60,500 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को क्या कर रहे हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी अकेला इसे 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर सकता है, तो ये अकेला का पूछा गया है। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 12 दिन में ए और बी काम कर सकते हैं और बी 20 दिन में जो है कंप्लीट कर सकते हैं काम को। इसका आपको लेना होता है एलसीएम, 20 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। ओके, यहाँ से देखिए, ये जो एलसीएम आता है, यहाँ पे जो एलसीएम है वो होता है टोटल वर्क, कितना काम है टोटल करने का, तो टोटल यहाँ पे 60 काम आपको करना है। ये एलसीएम जो आता है टोटल वर्क होता है, यहाँ से डिवाइड कीजिए, 12 × 60 कितना होगा, 5 होगा, और 60 में 20 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा। और यहाँ पे जो बीच वाला आता है ये होता है आपका एफिशिएंसी। ओके, मतलब क्षमता होता है ये, कि एक दिन में या जो भी दिया, दिन दिया होगा तो दिन या घंटा दिया होगा तो घंटा, एक दिन का ये क्षमता हो गया। मतलब ए प्लस बी मिलकर दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी 5 काम करते हैं, ए प्लस बी यहाँ पे 5 काम करते हैं एक दिन में और बी करता है 3 काम, ए कितना करेगा माइनस कर दीजिए, 2 काम करेगा, 2 का एफिशिएंसी है एक दिन का 2 काम। ठीक है, पूछ रहा कि ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा, तो 30 डेज इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी धारा के साथ 12 किलोमीटर 3 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में नाव चला सकता है, स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ये बोट और स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे बेस है, यहाँ पे एक बोट होता है मतलब नाव और एक होता है स्ट्रीम मतलब धारा। अगर नाव जो है धारा के साथ में मतलब धारा के दिशा में जाती है तो उसे आप क्या लिखिएगा, बी प्लस एस, मतलब बी नाव, कहने का मतलब कि नाव और धारा अगर साथ में जाएगी तो बी प्लस ए होगा, बी प्लस एस होगा, और ये होगा आपको धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल। ओके, वैसे ही अगर बी माइनस एस करते हैं तो ये होगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जो है नाव की चाल। ओके, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। यहाँ पे देखिए जो बी होता है, बी मतलब ये नाव जो है ये स्थिर चाल है, कहने का मतलब जब तक आप इसको कंबाइंड या फिर माइनस नहीं करते हैं तब तक ये नाव जो है स्थिर धारा के, सॉरी, पानी जो स्थिर रहता है उसमें चलने वाला चाल होता है, स्थिर पानी में चाल होता है इसका बी, और एस जो है अकेले धारा का चाल, मतलब ये अकेले ओनली नाव का चाल, ये धारा का चाल। और यही पूछ रहा है यहाँ पे, स्थिर पानी में चाल पूछ रहा है, मतलब ये बी का मान पूछ रहा है, यहाँ पे नाव की जगह आदमी दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 12 किलोमीटर 3 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, सॉरी धारा के साथ में 12 किलोमीटर 3 घंटे में, तो धारा के साथ क्या है, बी प्लस एस, यहाँ पे 12 किलोमीटर जाए, ये चाल है, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, समय कितना है 3, मतलब कितना है 4, मतलब धारा के दिशा में चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही धारा के विपरीत दिशा में ये चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी वही है, समय यहाँ पे विपरीत दिशा के लिए 4 घंटा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा 3, तो बी प्लस एस और बी माइनस एस बराबर, सॉरी बी प्लस एस बराबर 4 और बी माइनस एस बराबर 3 है, इन दोनों को कट कीजिएगा, इक्वेशन है ये, दोनों को जोड़िए 2b और प्लस 4 और 3 7, बी बराबर क्या आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से
120 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, देखिए जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेन अगर यहाँ पे एक दूसरे की ओर चलती है तो क्या होता है, ये प्लस होता है, चाल जो है जुड़ता है, जो सापेक्ष चाल होता है वो जुड़ता है, रिलेटिव जो स्पीड होगा वो जुड़ेगा। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलेगी, ये भी एक दिशा में चल रही है, ये भी एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, वो घटेगा। तो ध्यान दीजिए, एक दिशा में जाएगा तो घटेगा और आमने सामने मतलब एक दूसरे की ओर चलेगा तो जुटेगा। यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो यहाँ पे क्या है, मेन यहाँ पे जो फैक्टर है वो 120 किलोमीटर अधिक या जो कम होता है उसको पहले ध्यान में दिया जाता है। 120 किलोमीटर क्या है, ये दूरी है। इधर अगर दूरी है तो इधर भी क्या होना चाहिए, दूरी, ठीक है। देखिए इधर क्या है, देखिए 50 के स्पीड से जा रहे हैं, ये 60 के स्पीड से, तो इधर दूरी निकालना होगा। तो क्या कीजिएगा, दूरी बराबर होता है चाल अगुणे समय, मतलब कि इधर हो जाएगा एक कोई भी एक ले लीजिए जिससे 60t और माइनस हो जाएगा 50t, समय हो गया t, ओके, ये हो गया चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय और माइनस चाल गुणे समय। तो यहाँ से जो समय हो वो आपका आ जाएगा 60 में से 50 जाएगा 10, मतलब कि 12 घंटा ये समय टोटल लगा है, ओके। यहाँ पे आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बीच के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे टोटल दूरी पूछ रहा है दोनों ट्रेन के बीच में, टोटल दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड देखिए, स्पीड क्या होगा, बोले हैं कि एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड जो है जुड़ी है, 60 और 50 कितना हो जाएगा 110, गुणे समय कितना लगा है टोटल 12, तो गुणा कीजिए 112 गुणे 11 132 होता है, 1320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक आदमी स्थिर पानी में, क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, यदि धारा के विपरीत दिशा में उसे धारा के साथ नाव चलाने से दुगना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या है, ये भी बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे देखिए स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकते, स्थिर पानी मतलब बी का चाल, बोट का चाल, ये 9 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। यहाँ पे आगे बोल रहा है यदि धारा के विपरीत दिशा में उसे धारा के साथ नाव चलाने से दोगुना अधिक समय लगता है, यहाँ पे क्या समय के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे लिखिए जो विपरीत दिशा में चाल होगा, सॉरी धारा के दिशा में पहले चाल लिखिए, धारा के दिशा में जो चाल होगा वो क्या होता है, बी प्लस एस, वैसे ही धारा के विपरीत दिशा में लिखिएगा, विपरीत दिशा में चाल लिखिएगा कितना होगा, बी माइनस एस होगा। तो ये हो गया चाल, यहाँ पे समय से मतलब है कि दोगुना समय लगता है, ये मेन यहाँ पे कारक है, मेन फैक्टर है, यहाँ पे दोगुना समय लगता है, तो समय बराबर समय कीजिएगा, ठीक है, क्या होता है दोगुना समय लगता है। तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, एक हो गया बी प्लस एस, यहाँ भी लिखिए बी, दूरी बटा में चाल, बी माइनस एस क्या होता है, देखिए ऊपर पढ़िए, यदि धारा के विपरीत दिशा में उसे धारा के साथ नाव चलाने से दोगुना समय लगता है, जो विपरीत दिशा, ये विपरीत दिशा है, इसका जो समय है इस चाल से दोगुना लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी से डी क्या होगा, ये कट हो जाएगा, अब गुणा कीजिए 2b माइनस 2s बराबर बी प्लस एस क्या होगा, ये देखिए 20 2b में से ये माइनस होगा, इधर आएगा तो b और ये हो जाएगा 2s और इधर जाएगा तो 3s, तो b और s का जो चाल का अनुपात आ जाएगा, b और s के चाल मतलब बोट का और धारा का, वो 3:1 होगा, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, तो धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति देखिए यहाँ पे नाव की गति दिया गया है, नाव की गति से, नाव की गति के अनुपात से तुलना कर दिए, नाव की गति यहाँ पे कितना है 3, तो तुलना कर दिए, और धारा के चाल पूछ रहा है तो 1 से गुणा कर दिए, तो कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है,
कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए अपने क्या है वस्तुओं को लागत मूल्य से, देखिए लागत मूल्य मतलब ये कॉस्ट प्राइस CP इसका मान लीजिए 100 रुपीज़, 100 रुपये में वो जो है वस्तु खरीदता है, ठीक है, और लागत मूल्य से 30% अधिक जो है अंकित करता है। अंकित मूल्य क्या होता है तो इसे बोलते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस MP। ये 30% अधिक अंकित कर रहा है मतलब कि 100 रुपये का चीज़ खरीद कर उस पर प्रिंट करवा रहा है 30 रुपये अधिक 130 रुपया, और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 20% का डिस्काउंट देने के बाद में कितना में सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, बेच कितना में रहा है, तो 20% की छूट के बाद में वो बेच रहा है मतलब 130 का जो है लिखा है दाम उस पर और 20% का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, अंकित मूल्य पे, इसीलिए अंकित मूल्य पे हम निकाल रहे हैं। 20% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 80 रुपया में बेच रहा है, निकालिए ये हो जाएगा 13 × 8 104 रुपया हो जाएगा इसका SP, मतलब 100 रुपये का चीज़ खरीद के 104 रुपया में बेच रहा है तो क्या हुआ 4 रुपया का इसको हुआ प्रॉफिट, यही प्रतिशत लाभ हुआ। ओके, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। वैसे हानि प्रतिशत पूछे तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ यहाँ पे तो डायरेक्टली पता है कि 4 ही हैं और क्रय मूल्य 100 रुपया है इसीलिए ये 100-100 कट जाएगा, तो डायरेक्टली हमने ये 4 लिख दिया तो 4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1200 रुपये प्रति वस्तु बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1200 रुपये प्रति पे बेचता है, सेलिंग प्राइस जो है दोनों वस्तुओं का एक बारह सौ रुपये में दोनों वस्तुओं को बेच रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि, इस पर क्या है प्लस 20% ये जो है प्रॉफिट कमा लेता है, इस पर प्रॉफिट कमा लेता है, इस पर जो है 20% का ये हानि होता है, लॉस होता है इसको, ठीक है। देखिए 1200 का खरीदा, 1200 में मतलब बेचा है, इसका आप क्रय मूल्य निकालिए, 20% लाभ होता है मतलब 120 में बेचा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालिए कितना होगा 120 से 120 ये 10 मतलब 1000 रुपया में ये 1000 रुपया में ये खरीदा होगा पहला वस्तु को, दूसरा वस्तु पे 20% का लाभ सॉरी हानि हो रहा है, 1200 में बेचा है मतलब 80 रुपया में बेचा है, 100 रुपया खरीद कर 80 रुपया में, ये 100 रुपया जो है क्रय मूल्य निकालना है इसको, तो ये कितना होगा 15×8 = 120 मतलब 1500। देखिए टोटल इसका कॉस्ट प्राइस ये भी CP है दूसरे वस्तु का, तो 1500 × 2500 रुपये उसका टोटल जो है क्रय मूल्य हुआ और यहाँ पे टोटल 2400 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, वस्तु खरीदा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में तो क्या हुआ उसको हानि हुआ, 2500 रुपये में खरीद के 2400 रुपये में बेच रहा है तो 100 रुपये का उसको हानि हुआ, लॉस सहना पड़ा, 100 रुपये का हानि हुआ कितना पे, देखिए क्रय मूल्य होता है ना तो क्रय मूल्य लिखिएगा 2500, लाभ बटा में क्रय मूल्य अभी हमने आपको बताया, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला परसेंटेज लाभ का, तो यहाँ पे लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 00 से 00 25 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 4 से डिवाइड होगा, इसका 4% होगा हानि, किधर गया, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है, ये 12 हो जाएगा सॉरी ये 144 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है गुणे 4 और 12 से फिर 144 12 बार में कटेगा और 4 थी 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि यदि x बराबर 5/2 और y बराबर 3/2 तो x² - y² का मान ज्ञात करें, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बोल रहा है तो क्या होगा 25/4 माइनस 9/4 25 में से 9 जाएगा 16/4 बराबर 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? सबसे पहले देखिए कि अगर आपका एवरेज जो है उसमें अगर प्रत्येक संख्या में अगर प्लस करते हैं जोड़ते हैं या प्रत्येक संख्या में माइनस करते हैं या प्रत्येक संख्या का एवरेज आप निकालते हैं प्रत्येक संख्या में अगर आप परसेंटेज वृद्धि करते हैं तो उसके औसत में भी वृद्धि होता है
और सेम वृद्धि होता है औसत में। जैसे कि यहाँ पे यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके औसत में भी 20% का ही वृद्धि होगा। तो 40 का 120 निकाल दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 12 चौके 48 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए 10 संख्याओं का औसत क्या है, क्या होता है, देखिए औसत बराबर क्या होता है, कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। देखिए औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, माने कुल संख्याओं का योग सम ऑफ कुल नंबर बटा में टोटल नंबर, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है औसत। ठीक है, तो यहाँ पे औसत कितना है, 40 है, संख्या कितना है, 10 है, यहाँ पे टोटल इनका योग कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, यहाँ पे 20% की वृद्धि करने को बोल रहा है, तो 400 में का 20% वृद्धि कीजिएगा कितना होगा, 120% निकालिए, ये हो जाएगा 480 बटा में संख्या 10 है, ऐसे भी आ गया 48। औसत पूछ रहे हैं तो कुल संख्याओं का योग हो गया, संख्या 10 है तो यहाँ पे आ गया 48 नया औसत। वही है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है तो उसे एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शुरुआत में मान लीजिए 8 व्यक्ति है और उसका वजन जो है 100 है, ठीक है, तो इसका कितना हो गया, ये आपको हो गया 8x टोटल, अगर जोग निकालिएगा, अगर यहाँ पे जोग रहेगा तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 8x टोटल जोग। वहीं पे बोल रहा है कि 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है उन्हीं का औसत, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 ही व्यक्ति है लेकिन उसका औसत जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा, 8x प्लस 15 × 8 = 120, मतलब 12, ये हो जाता है इतना। उसे एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, पहले देखिए टोटल वजन 8x था, अभी क्या हो गया, 8x प्लस 12, मतलब ये अगर देखिएगा तो ये 8x जो है ज़्यादा हो जाता है, घटाइए इसमें से 8x माइनस 8x बराबर प्लस 12 है ना, तो ये माइनस कीजिएगा तो क्या, ये 12 किलो वजन जो है यही डिफरेंस हो रहा है इन दोनों में, तो क्या होगा, नए व्यक्ति का वजन जो है 12 किलो बढ़ जाएगा, जो पहले का व्यक्ति था 65 किलो इससे बदल दिया जाता है, तो 65 किलो जो है वो नए व्यक्ति से जो बदला जाता है उसका वजन हो जाता है 65 × 10 = 75 × 2 = 77 kg। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे या नेक्स्ट जो सेशन होगा मैथ का उसमें हम इसको सम्मिलित कर लेंगे। एक पिता अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, ये फादर और सन के बारे में बोल रहा है, एक पिता अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, 20 साल बाद वह अपने बेटे से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, 20 साल बाद 2 गुना बड़ा हो जाएगा। एक बात बताइए कि फादर और सन का जोड़ी है और ये 20 साल बाद 2 गुना हो रहा है, ठीक है, तो 20 साल जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है अंतर जो है सेम होना चाहिए, जैसे कि 4 से यहाँ पे 2 का अंतर है तो यहाँ पर सेम होना चाहिए 2 का अंतर, लेकिन यहाँ पर अंतर समान नहीं है। इसको अंतर समान करने का एक तरीका है, देखिए क्या कीजिए, इसमें 4 से 1 माइनस कीजिए, गुणा कर दीजिए इसमें 3 से, 2 से 1 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, इसको गुणा कर दीजिए इसमें, अब देखिए क्या होगा, 4, 1, 3, 2, 6 और 3, अब देखिए अंतर 4, 2, 6, 1, 2, 3, 2 और 2 का अंतर हो गया, यहाँ पे टोटल 20 का अंतर दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे अंतर कितना है, उस अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए 2। पूछ क्या रहा है कि पुत्र की वर्तमान अंक, ये है फादर ये सन, पुत्र क्या है वर्तमान अंक, अब ये आपका वैल्यू नहीं रहा, ये वैल्यू चेंज हो गया, ये नया वैल्यू आपका ये बन गया, तो इसमें से आप गुणा कीजिएगा, 1 हो गया तो 2, 10, करेक्ट आंसर 10 ईयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता और उसके 2 पुत्र के आयु का योग 80 वर्ष है, यदि 2 पुत्र का औसत आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु क्या है, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक एक पिता और उसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र मान लीजिए कि समान ही है औसत आयु, तो उसको 2s कर दिए, 2 सन की आयु 80 वर्ष है, ठीक है, यदि 2 पुत्र का औसत आयु यहाँ पे दिया है, 2 पुत्र मतलब 2s का औसत आयु क्या दिया है, 15 वर्ष यहाँ पे, सॉरी 2 पुत्र को मान लीजिए कि s और s बटा में 2, तो 2s का वैल्यू कितना आ गया, 30, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2s का वैल्यू रख दीजिए 30, और 30 रख दिए ये, इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 साल, करेक्ट आंसर फादर का वैल्यू 50 साल हो जाएगा उनका एज। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो है 394 है, विषम संख्या कैसे लिखेंगे,
देखिए, अगर आप एक विषम संख्या x लेते हैं तो अगला में दो दो जोड़ते जाना है, तो अगला क्या लीजिएगा x प्लस टू, फिर अगला क्या लीजिएगा x प्लस फोर, ऐसे विषम संख्या लिया जाता है। दो ही बोल रहा है तो हम दो ले रहे हैं, इनके वर्गों का योग बोल रहा है तो इनके वर्गों का योग कर दीजिए, 394 है। फिर यहाँ पे इसको और आगे कैलकुलेट कीजिए, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 394। फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बराबर, ये फोर माइनस कर दीजिए 390 हो जाएगा। फिर यहाँ से दो कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 195। ओके, दो कॉमन लिए हैं तो इसमें भी दो से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जो है निकालिएगा आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण, उस पर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 195 का, ऐसे देख लीजिए, यहाँ से थ्री से जाएगा, ये थ्री तीन छके 18 और तीन पाँचे 15 और ये पाँच से जाएगा 13, तो ये पाँच तीन 15 और 13 का आ रहा है, मतलब यहाँ से 15x कर दीजिए माइनस 13x बराबर 195। उम्मीद है कि आपको आता होगा द्विघात समीकरण, तो यहाँ से x लीजिए, x प्लस 15 है ये माइनस 13 इंटू एक्स माइनस जो है यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी ये माइनस यहाँ इधर आएगा, यहाँ पे जीरो कर दीजिए, एक्स प्लस 15 यहाँ होगा। तो एक्स का दो मान आया, एक एक्स बराबर 13 आया और एक एक्स बराबर माइनस 15 आया, जो इसका वैल्यू होगा वो एक्स बराबर 13 लेने पर ही सेटिस्फाई होगा और वो पॉजिटिव है तो ज़्यादा चांसेज है यही होने का, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई आप कर लीजिएगा, अगर एक 13 होता है तो दूसरा जो वैल्यू होगा वो 13 × 2 = 15 हो जाएगा, तो 15 और 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 394 आ जाएगा और ये वैल्यू सेटिस्फाई उस पर नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 और 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि 3 के 3 क्रमागत गुणक बोल रहे हैं, देखिए पहला अगर 3 का गुणक लेते हैं x तो दूसरा क्या लीजिएगा x प्लस 3 लीजिएगा, ये क्रमागत गुणक है, और अगला लीजिएगा x प्लस 6। 3 का गुणक बोल रहा है, 3 से कटने वाली संख्या क्या लिया जा रहा है, इसीलिए 3 3 यहाँ पे करके हम बढ़ा रहे हैं। गुणकों का योग बोल रहा है 72 है तो इसको जोड़िए, एक्स टू एक्स एक 3x प्लस 9 बराबर 72, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 63/3, ये हो जाएगा 21 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, x का मान ज्ञात करें, यदि 3x - 5 = 2x + 7 कितना है, ये देख रहे हैं 3x - 5 = 2x + 7, ये इसको यहाँ इधर लाइए तो x हो जाएगा, इधर लाइए 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 5000 की राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर संयोजित ब्याज क्या है, संयोजित ब्याज आ गया, इसका मतलब ये पूछ रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ओके कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, ओके तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का बोल रहा है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 5% से यहाँ से निकाल लीजिए, 5 × 20 = 100, मतलब ये क्या हो रहा है 1/20 हो रहा है, तो 20 से 21 और 20 से 21 ये 2 बार हो रहा है, ये मल्टीप्लाइड कीजिए 400 और ये हो जाएगा 441, ये जो है क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, ओके और ये क्या है मिश्रधन, कंपाउंड प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, तो ये हो गया मिश्रधन, मतलब 400 रुपया था और 441 रुपया टोटल हो गया है, मतलब 41 रुपया का क्या है इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, ओके यहाँ पे बोल रहा है संयोजित ब्याज, ब्याज ही पूछ रहा है इसमें, ठीक है तो ये 5000 रुपया मूलधन गया है, यहाँ पे मूलधन कितना है प्रिंसिपल 400, तो उसका मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दीजिए, क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है ब्याज, कितना ब्याज है 41 रुपया, ये गुणा कर दीजिए, ये देखिए 00 से 00 और ये 2 से कटाइए, ये 25 × 41/2 कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 512 रुपया 50 पैसा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा, देखिए यहाँ पे पहिया के बारे में बात किया जा रहा है, देखिए ये हो गया पहिया, ये वृत्ताकार होता है,
ये टोटल जो पहिया है, जो इसका टोटल राउंड है, इसको बोलते हैं परिधि, मतलब पेरीमीटर। ओके, यहाँ पे वहीं जितना बार ये चक्कर लगाएगा वो उतना दूरी जो है कैलकुलेट होते जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है टोटल दूरी, तो ये जितना बार घूमा होगा वहीं यहाँ पे दूरी बना होगा, तो उसी से आपको परिधि से डिवाइड करना होगा टोटल दूरी को। तो यहाँ पे चक्कर की संख्या अगर आपको निकालना है, चक्कर की संख्या, तो क्या कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस बटा में चक्करों की संख्या से, संख्या जो है चक्करों की, उससे डिवाइड कर दीजिएगा। सॉरी, टोटल यहाँ पे क्या, टोटल चक्करों की संख्या निकालना है तो दूरी में परिधि जो है उसका, उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, तो परिधि निकालते हैं, पेरीमीटर। ओके, परिधि कैसे निकलेगा, तो परिधि के लिए क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का 2πr, परिधि का 2 × 22/7। आर का मान कहाँ से लाइएगा, यहाँ दिया है व्यास, तो डी होता है यहाँ पे 1.4 मीटर दिया है व्यास, तो इसका निकालिएगा आप त्रिज्या, तो इसका आधा होता है 1.4/2, मतलब 0.7 मीटर जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा, इसका होगा 0.7। ये कटाइए यहाँ पे 7, ये दशमलव उड़ा के नीचे 10 कर दीजिए, ठीक है, और ये 22 × 44, 44 × 7/10, 7 × 28 = 8, 7 × 28 = 2, 30, 30.। यहाँ पे जो है 7, जो 7 है वो ऑलरेडी कट चुका है, तो इसका जो हो जाएगा 4.4 मीटर जो है इसका परिधि आ जाएगा। अब आपको चक्कर की संख्या निकालना है तो टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, 1.1 किलोमीटर है, मतलब 1100 मीटर है, डिवाइड कीजिए कितने से, ये 4.4 से, 4.4 से, तो ये जाएगा ऊपर, ये 11 से कटाइए, 4 हो जाएगा 44, और 4 × 25 = 100, मतलब 250 जो है इसका चक्कर की संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये आज आपके लिए होमवर्क हम देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप बनाइए, बने या ना बने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट जो सेट कराएंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट, उसमें जरूर इस क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये पहला मैथ का सेशन हमने लिया है, कैसा लगा आपको, अगर क्वेश्चंस अच्छा हमने सेलेक्ट किया है तो जरूर बताइए, अगर कुछ आपको सजेशंस भी देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।